क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये वर्टिकल रॉड है, इसका मास स्मॉल एम के इक्वल है, ठीक है। रॉड के दोनों तरफ स्मूथ वॉल है, ठीक है। तो यहां पर दोनों वॉल स्मूथ हैं, तो ये कंफर्म है कि दोनों वॉल वर्टिकल डायरेक्शन में रॉड पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों वॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रॉड पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अगेन रॉड वेज के कांटेक्ट में है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो मान लेते हैं कि वेज रॉड पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वेज इस तरफ नॉर्मल टू द इंक्लाइन, रॉड पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन अप्लाई करेगा, ठीक है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहां पर वेज और रॉड दोनों इस प्लेन के अबाउट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो दोनों पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल होगा, ठीक है। नाउ वी हैव वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल इक्वल टू एन कॉस थीटा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि नॉर्मल इस तरफ है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, सो वी हैव दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू थीटा, एंड अगेन दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एन कॉस थीटा के इक्वल है, सो वी हैव एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वॉल स्मूथ है, ये दोनों वॉल रॉड पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा वही रॉड के वेट एम जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वेज है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो रॉड इस पर नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स इस तरफ एन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स के इक्वल है, तो स्प्रिंग वेज पर इस तरफ के एक्स फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगेन ग्राउंड स्मूथ है, तो यहां पर ग्राउंड वेज पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राउंड है वो वेज पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज ग्राउंड इज स्मूथ, ठीक है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन का कंपोनेंट के एक्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगेन दिस इज वर्टिकल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यहां पर एन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एन साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव एन साइन थीटा इक्वल टू के एक्स, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन वन
एंड दिस इज इक्वेशन टू. ठीक है, तो टू को वन से डिवाइड करते हैं. ठीक है, देन वी हैव एन एन कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू के एक्स बाई एम जी. ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग एक्स इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई के. ठीक है, सो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई के स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू के. ठीक है, तो ये आंसर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.